नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पायल कैब के बारे में बताऊंगा पूरा डिटेल्स कि पायल कैब का हम लोग काम कैसे करते हैं और इसमें पायल कहाँ कहाँ है और प्लस हम पायल कैब का काम कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि ये है हमारा जैसे कि फाउंडेशन, ये हमारा फाउंडेशन है। चारों तरफ सॉइल कटिंग हो गया है और सॉइल कटिंग होने के बाद में हमने इसमें क्या किया है, 5300x5300 का एज पर ड्राइंग के हिसाब से हमने इसमें PCC कर रखा है। और PCC होने के बाद सर्वेयर जो होता है, ये सर्वेयर अपना सर्वे पॉइंट दे करके जाता है और एक यहाँ कील गाड़ देता है। ये हमारा ड्राइंग के हिसाब से ये जो है इसका काम होना है 5300x5300 पे, यानी 5 मीटर 300 पे। तो अब हम जब पायल कैप स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि 90 छोड़ देते हैं, 90 छोड़ करके, क्योंकि ये हमारा शटर से डिस्टेंस रखते हैं ताकि इसमें 75 का कवर ब्लॉक अभी आएगा, इसमें अभी इसमें फेस बार आता है उसके बाद में हमारा 75 का कवर ब्लॉक, तो 87 हुआ, 3 mm हम फ्री रखते हैं। ओके दोस्तों, और ये जो होता है चारों कोने पर होता है, एक उधर होगा 2 और एक उधर होगा 3 और ये है 1 4, ये चौथा कोना। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बताऊंगा कि इसमें क्या है कि ड्राइंग के हिसाब से इसमें एक तो 32 का सरिया लगता है पहला लेयर। ठीक है दोस्तों, पहला लेयर 20 का 32 का, जैसे आप देख रहे हैं पहला लेयर हमारा लगा है, ये 20 का है, ये 32 का है, ये 20 का, ये 32 का, ड्राइंग के हिसाब से ये 26, 20 का 26 लगा है और 32 का 26 पीस लगा हुआ है। ओके दोस्तों, और फिर सेकंड लेयर जो लगा हुआ है वो भी 32 का लगा है और ये 20 का लगा हुआ है, ये एक हमारा मेस बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फर्स्ट काम हो रहा है, फर्स्ट लेयर यानी पहला लेयर और सेकंड लेयर हो गया है। और इसमें हम स्टीरअप पहला लेयर में ही डाल देते हैं, ये जैसे फर्स्ट लेयर है ना, फर्स्ट लेयर वैसे हम फर्स्ट लेयर में हम ये स्टीरअप डाल देते हैं। और स्टीरअप डाल देने के बाद में हम ये सेकंड लेयर बांधी करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये सेकंड लेयर, एक एक रिंग को हम 200 के स्पेसिंग में, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 200 के स्पेसिंग में, ये जो है हमारा 200 के स्पेसिंग में यह है। और यहाँ से इस स्टीरअप की डिस्टेंस रहती है, इसके और इस स्टीरअप की डिस्टेंस होती है 200 पे। ओके दोस्तों, आप सब पे देख रहे हैं, 11 हम ड्राइंग के हिसाब से डालते हैं ये स्टीरअप। ये है स्टीरअप, इसकी लेंथ जो होती है ड्राइंग के हिसाब से वो इसकी जो लेंथ होती है वो 1.65 मीटर होती है, यानी 1665। ओके दोस्तों, इसकी लेंथ होती है, इस स्टीरअप की लेंथ। ओके, ये है हमारा स्टीरअप, ये है हमारा स्टीरअप। और हम जो पायल कैप का काम किए हैं 32x32 डिस्टेंस पे हमने एक एक स्टीरअप डाल रखा है 200 की स्पेसिंग पे। ओके दोस्तों, और ये 11 नंबर्स हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे पायल कैप में ऐसे ही हो, ये कोई ज़रूरी ना है, ये ड्राइंग के हिसाब से इसका डिज़ाइन के हिसाब से हम ये काम कराते हैं। बाकी पायल की तो मैं नहीं कह सकता, बाकी पायलों का डिज़ाइन के हिसाब से वो अलग होगा, ये अलग होगा। अभी इसका जिस हिसाब से ड्राइंग में है उस हिसाब से हमने जो काम कराया है इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है। तो ये है हमारा स्टीरअप, जो ये और ये 200 पे स्पेसिंग पे है, सेंटर टू सेंटर। तो और मैं आपको दिखाने दूंगा, ये है पायल, इसका ये है पायल, और ये पहला और ये दूसरा पायल, और ये है तीसरा पायल, और ये है चौथा पायल। ओके दोस्तों, और ये हम जो है रिंग बांधी करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में आपको सेकंड लेयर दिखाऊंगा, सेकंड लेयर, ये फर्स्ट लेयर हो गया और सेकंड लेयर का काम हम कैसे डालते हैं और इसमें कैसे हम ओवरलैप मारते हैं, ये आपको मैं सेकंड वीडियो में, दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा।
थैंक यू दोस्तों, आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।